4 जून 4 मुद्दे और शाम को 4 बजे हम लोग एक विशाल वाहन रैली का आयोजन कर रहे हैं। पहली बार श्री राजपूत करने से ना 2006 में 2012 में बड़ी बड़ी वाहन रैलियां हमने निकाली जिसमें 3-4 हजार लोग रहे हैं, 3-4 हजार गाड़ियां रही है, पर अब की बार 8-10 हजार गाड़ियों का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। 2,500-3,000 गाड़ियों का हम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है। विशाल भगवा वाहन रैली का इसका आयोजन किया जा रहा है। वाहन रैली हम लोग निकालेंगे शाम को 4 बजे गणेश मंदिर झोटवाड़ा से जलेबी चौक तक। और 4 मुद्दे हमारे हैं, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर, सरलीकरण को लेकर। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है पर उसमें बैरियर बहुत है, उसका सरलीकरण हो, आयु सीमा में छूट मिले, 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए, और नगर निगम और पंचायती राज में 14% के हिसाब से सीटें आरक्षित हमारी की जाए, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होगा तो कहीं ना कहीं आम गरीब राजपूत को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर छात्रावास मिलेंगे जो समाज के द्वारा बनाए जाएंगे। ऐसे कई सारे गरीब युवा हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनको बहुत आगे तक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हायर एजुकेशन वो ले पाएंगे, इसलिए क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन की मांग हम लोग कर रहे हैं, जो सभी समाजों को मिला, केवल राजपूत समाज को छोड़कर। तीसरा, राजस्थान में रहकर, राजपूताना में रहकर कोई भी पार्टी बोलती है कि हमारा चेहरा कौन सा होगा, तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री का चेहरा राजपूत का चेहरा हो, क्षत्रिय का चेहरा हो, सबसे ज्यादा तादाद में जो जाति यहां पर है उसका सबसे पहला हक बनता है। जिसने यहां के पूरे सेनेरियो को बनाया है, यहां के इतिहास को बनाया है, यहां के हर एक चीज को बनाने में, यहां के हर एक चीज को संवर्धन में काम किया है, वो क्षत्रिय समाज है, उसका चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा हो। चौथा, राजस्थानी भाषा को मान्यता है। 10 से 11 करोड़ जनसंख्या राजस्थान के लोगों की है पूरे देश में, और उसकी इतने सारे राजस्थानी बोलने वालों की संख्या, फिर भी हमारे लोगों को मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ की भाषा को मान्यता नहीं है। आज 78-80 साल होने को आए भारत आजाद के, लोगों की मानसिकता नहीं है, हमारे नेताओं की मानसिकता नहीं है। ऐसे सभी नेताओं को बोलना चाह रहा हूं, आप यहां के हैं, अपनी भाषा को आप लोग मान्यता नहीं दिला पा रहे हैं तो आप क्या करवा पाएंगे। मेरी राजस्थानी भाषा की मान्यता की डिमांड इस राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कर रहा हूं। 4 जून 4 मुद्दे 4 बजे सैकड़ों हजारों की संख्या में वाहन होंगे, 2-व्हीलर होंगे, 4-व्हीलर होंगे, जलेबी चौक तक जाएंगे, गणेश मंदिर से बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ करके हम लोग रवाना होंगे, भव्य हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और जलेबी चौक पर मां भगवती की आरती से उसका हम लोग विसर्जन करेंगे। 4 जून 4 बजे।